चलो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, 18 करते हैं इसको कंप्लीट करने का। हम टाइप्स ऑफ, अच्छा रिएक्शन पढ़ रहे थे हमें ना। मैंने यहाँ पर बिजनेस रोक दिया था, कोई आ गया था घर पर, इसलिए। चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। किस चीज का एक्सपेरिमेंट है? कंपोजिशन, तो डी कंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा डी कंपोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, इस चीज को यहाँ पर शो किया जा रहा है। पढ़ते हैं सेकंड वाले से। पुट सम जिंक, अच्छा ये तो हम वैसे भी रियल में कर ही नहीं सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं पर, इसको टाइम पास के बेसिकली। कभी पुट सम जिंक कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ कॉर्क, उसको फिर कॉर्क से फिट कर दो, एंड अ बेंट ग्लास ट्यूब। ऑन हीटिंग, जब उसे गर्म करोगे तो जिंक कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। विच विल टर्न ऑन लाइम वाटर, और क्या जाएगा, मिल्क हो जाएगा, क्या जाएगा, मिल्क हो जाएगा, एंड द रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब बचा कुचा, रेजिड्यू मतलब बचा कुचा। तो इतने में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जिंक कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो उसके बाद जो बचा कुचा है उसको बोले, तब वो बचा कुचा था जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड बचा येलो, जो कि येलो कलर का है व्हेन हॉट, जब इसको जब ये गर्म होता है तभी येलो कलर का होता है। व्हाट इन टर्न्स वाइट ऑन ऑन कूलिंग, और जैसे ठंडा हो जाता है तो ये येलो से व्हाइट कलर का हो जाता है। हीट ऑरेंज कलर अमोनियम क्लोराइड, रिकॉर्डिंग हो रही है। हीट ऑरेंज कलर अमोनियम डाइक्रोमेट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है इसको हीट करो। तो क्या कह रहा है, जब आप इसको हीट करते हो अपॉन हीटिंग इट स्वेल्स एंड डीकंपोजेस विद फ्लैशेस ऑफ लाइट। ये डिकम्पोज होते हैं लेकिन लाइटें चमकती हैं। इवॉल्विंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकलता है इससे, वाटर वेपर निकलता है इससे, एंड अ ग्रीन सॉलिड, और एक ग्रीन कलर का सॉलिड भी निकलता है। क्रोमियम ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड, और बेचारा क्रोमियम क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो भी अलग हो जाता है, वो भी अलग हो जाता है। व्हाई हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, अच्छा वैन सॉरी ओके। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। द ब्लू कलर क्रिस्टल चेंज इन टू व्हाइट एनी हाइड्रस सॉल्ट, तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं व्हाइट एनी हाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं। दिस चेंज मे बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, वो कह रहे हैं ये चेंज कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो जब आप इसको हीट करते हो, उसको हीट करोगे तो एनी हाइड्रस सॉल्ट अलग हो जाएगा, और ये जो वाटर वाला एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा। हाउएवर एनी हाइड्रस कॉपर सल्फेट, हाउएवर एनी हाइड्रस कॉपर सल्फेट मे बी चेंज टू ब्लू हाइड्रेटेड फॉर्म बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ एनी हाइड्रस सॉल्ट एंड एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। वो कह रहा है अगर इन दोनों को मिला दिया है, इन दोनों में वो उल्टी प्रोसेस कर दिया है, तो उल्टी प्रोसेस करने के बाद अगेन ये बन जाएंगे, अगेन ये ब्लू कलर के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो फार अब तक मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दैट वी हैव कंसिडर्ड प्रोसीड कंसिडर्ड जित अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन कंसिडर कर लिए प्रोसीड क्वाइट डेफिनेटली इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वो किसी ना किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे तो बढ़े। एंड इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, और उनमें हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते थे। हाउएवर देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ केमिकल चेंज, हाउएवर देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ रिएक्शंस। वो कह रहा है बेशक वहाँ पर जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, इन विच द डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, सच रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल आप ये वाला ले लो, ये वाला वो कह रहा है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चेंज करो कि जिससे केमिकल चेंज आपका रिवर्स हो जाए, तो हो सकता है ना किसी कंडीशन में वो चेंज हो सकता है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल उन्होंने यही दिया हुआ है, ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग बता रहे हैं, ये सिंबल बेसिकली शो करता है रिवर्सिबल चेंज के रिगार्डिंग, कि आप इस तरह से भी आगे जा सकते हो, इस तरह से यहाँ से दोबारा से वापस लौट के पीछे भी आ सकते हो, ठीक है। तो सिंबल का मीनिंग बेसिकली बता रहे हैं, कुछ नहीं। इफ स्टेम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, ये अलग से एग्जाम्पल आ रहा है, इसको पढ़ते हैं। इफ
stem is passed over red hot iron, the latter is partially converted into magnetic oxide and nitrogen and hydrogen is released. क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा. स्टेम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन. अगर स्टेम को रेड हॉट आयरन से पास किया जाए तो क्या लेटर, लेटर मतलब बाद वाला यानी हॉट आयरन की बात करें, द लेटर इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड. तो जो बाद वाला आइटम है ना यानी रेड हॉट आयरन, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पार्शली चेंज हो जाएगा, ठीक है. एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज होने लगेगा विकर एफ. तो यानी एक काम तो ही हो गया, यानी जैसे आपने फेरम और वाटर को पास किया तो फेरम हाइड्रोक्साइड बन गया, फेरम ऑक्साइड बन गया. फेरम ऑक्साइड को मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है. और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है. ना अगर आप इसका जस्ट अपोजिट भी करोगे ना, जस्ट अपोजिट भी करोगे तो ये ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा. इफ ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड ऑक्साइड, अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हम गरम गरम ऑक्साइड हीटेड ऑक्साइड के पास, मैग्नेटिक ऑक्साइड के पास ले करेंगे तो वापस से मेटल में चेंज हो जाएगा विद स्टेम, ठीक है. इन आइदर केस द रिएक्शन एंड्स विद अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देखा लें. एक्सपेरिमेंट्स टू शो थर्मल डिसोसिएशन, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अपनी, हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था. अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट, एक ऐसा रिएक्शन जो हीट की वजह से आता है, ठीक है, विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन कूलिंग इज एज, और इसको बाद में कूल भी नहीं किया जाता, जिसको बाद में ठंडा भी नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो इससे कभी क्या कह रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. हीट सम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड in a test tube, two colorless gas ammonia and hydrogen chloride are produced. वो कह रहा है अगर आप सोडियम अमोनियम क्लोराइड को, अगर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को यानी आप अमोनियम क्लोराइड आइटम को, सब्सटेंस को, एलिमेंट को हीट करते हो, है ना, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना दो तरह की गैस प्रोड्यूस हो जाएंगी. कौन कौन सी? अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ठीक है. एज दिस गैसेस मूव अप टू द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि गैसेस हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, तो क्योंकि उनका टेस्ट ट्यूब के ऊपर के पार्ट में पहुंच जाएंगे जो कि ठंडा होता है, तो वहाँ पर जाकर ही दोबारा से क्या बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे. वहाँ पर जाकर फिर से क्या बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है. विच अपीयर्स एज अ वाइट सबलिमेट ऑन द अपर पोलर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, छोटे स्लैंटों के मतलब नहीं, यानी कि बेसिकली होता है ये भी एक रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, ठीक है, जो कि थर्मल डिसोसिएशन से ही आया है, ठीक है. On heating, nitrogen trioxide, nitrogen tetraoxide, changes to nitrogen dioxide. वो कह रहा है कि जब हीट करोगे nitrogen tetraoxide को तब वो किसमें चेंज जाएगा, nitrogen dioxide में चेंज होगा, क्योंकि रेड इज ब्राउन कलर की गैस होती है. ऑन कूलिंग जब आप थोड़ा ठंडा कर दोगे तो दोबारा से किसमें चेंज जाएगा, nitrogen tetraoxide, यानी रिवर्सिबल चेंज की एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो ये तो हो गया क्या कर रहे थे हम, डिकम्पोजिशन. अब आते हैं थर्ड चीज, थर्ड टाइप का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या समझ पा रहे हो, डिस्प्लेस प्लेस चेंज करना. सर मैंने ए बी के साथ सी मिलाया तो बेचारा बी तो अलग हो गया और ए सी मिल गए, ए सी मिल गए तो डिस्प्लेस हो गए, क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ केमिकल चेंज. ये एक ऐसा केमिकल चेंज है इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ना, जो एलिमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, मोर एक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा, डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट, वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. यानी कि यहाँ पर जो सी था ना, सी मोर एक्टिव एलिमेंट था, और जो बी था ना, बी लेस एक्टिव एलिमेंट था, तो सी ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, उसको डिस्प्लेस कर दिया. आगे छोड़ दो क्या, ठीक है.
एलिमेंट से डिस्प्लेसेस, एलिमेंट से डिस्प्लेस करता है। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज